morning student. Today is Friday. So, our turn of English grammar. English grammar, ये हमारा chapter है 4, proper noun. Proper nouns are the special names of particular persons, places, animals or things. For example, Mona, Chennai, Taj Mahal, etc. Proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, जगह, किसी पशु और किसी स्थान को और किसी वस्तु के बारे में बताए, उसे हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ नाम आ गया मोना. कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति बोल देंगे हम, उसमें सब आ जाते हैं, लेकिन स्पेशल नाम होता है जैसे मोना, वो हो गया प्रॉपर नाउन. चेन्नई किसी जगह का नाम है, वैसे जगह में कर कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन जब किसी स्पेशल स्थान का नाम लेंगे, जैसे चेन्नई हो गया, बॉम्बे हो गया, तो वो होता है प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल, कुतुब मीनार, एटसेट्रा, ये होते हैं प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. ओके, देन कम टू एक्सरसाइज एट पेज 30, बी पार्ट. पिक द नेमिंग वर्ड्स गिवन इन द बुक्स एंड राइट देम इन टू कॉलम फॉर कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स. रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच स्पेशल नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हियर आर सम कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स. सो वी विल राइट देम इन देयर कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर टेबल.